हेलो बच्चों, यह कंसेप्ट वीडियो लॉजिक गेट्स पर आधारित है। लॉजिक गेट्स बच्चों, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक है लॉजिक और दूसरा गेट का टर्म। लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट दैट फॉलोज अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स विच प्रोसेस द डिजिटल सिग्नल्स इन अ स्पेसिफिक मैनर। यानी कि मैं इसे आसान भाषा में समझाऊं बच्चों, कि जैसा कि पिछले कंसेप्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कैसे कंप्यूटर में आप अपना कुछ इनपुट देते हैं, कोई इनपुट डेटा देते हैं, कंप्यूटर उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, बाइनरी कोड में प्रोसेस करता है, फिर उस बाइनरी को आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देता है। तो बच्चों, जो प्रोसेसिंग का काम होता है आपकी मदरबोर्ड में, वो आपके डिफरेंट डिफरेंट लॉजिकल गेट्स कुछ ऑपरेशन करते हैं डेटा पे, जो बाइनरी डेटा कंप्यूटर कन्वर्ट करता है, उस डेटा पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, और वो कैलकुलेशन का काम, वो ऑपरेशन का काम आपके लॉजिक गेट्स करते हैं। और ये लॉजिक गेट्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं बच्चों? ये कोई फिजिकल गेट नहीं है, ये बेसिकली एक डिजिटल सर्किट है जो एक लॉजिकल रिलेशनशिप पे काम करता है। कि लेट जैसे एक डिजिटल सर्किट है, अगर मैं बोल दूं कि 5 वोल्ट से एक्सेस वोल्टेज अगर आता है तभी आप बल्ब को ऑन करें, अदरवाइज आप बल्ब को ऑफ रखें। तो बेसिकली ये एक लॉजिकल रिलेशनशिप है जिसके बेसिस में आपका एक डिजिटल सर्किट बल्ब को ऑन ऑफ करता है। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। एक्चुअल में जो ऑपरेशंस लॉजिक गेट परफॉर्म करते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट बेसिक जो शुरुआत होती है वो इसी तरीके से होती है। सो इट इज़ यूज्ड इन कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस, कंप्यूटर्स, रोबोट्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स एंड इन टेलीकम्युनिकेशंस। 5 कॉमन लॉजिक गेट्स यूज्ड आर नॉट, एंड, और, नैंड एंड नॉर गेट्स। लॉजिक गेट जो मैंने शुरू में बताया आपको, दो टर्म होते हैं लॉजिक और गेट का। तो लॉजिक इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट दैट फॉलोज अ रूल। कुछ रूल होता है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, उसी रूल को फॉलो करते हैं, उसी को हम लॉजिक कहते हैं। और गेट इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे आपकी रियल लाइफ में गेट का काम क्या होता है? गेट का काम होता है सेफ्टी, सिक्योरिटी, और उन्हीं लोग को अंदर आने देना, उन्हीं लोग को बाहर जाने देना जिनको ज़रूरत है। तो कुछ उसी तरह का काम यहाँ पे गेट भी करता है। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये वही इन्फॉर्मेशन को एंटर या एग्जिट करने देता है जिसकी हमें या जिसकी लॉजिक गेट को ज़रूरत है। ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल शोज ऑल द पॉसिबल इनपुट लॉजिक लेवल कॉम्बिनेशंस विद देयर रिस्पेक्टिव आउटपुट लॉजिक लेवल्स। बेसिकली बच्चों, मैं आसान भाषा में आपको बताता हूँ, हम एक टेबल प्रिपेयर करते हैं जिसमें एक सेक्शन होता है इनपुट का और दूसरा सेक्शन होता है आउटपुट का। या आप ऐसे समझ लें कि रोज में हम इनपुट डालते हैं और कॉलम्स में हम आउटपुट डाल दें, तो हम इनपुट आउटपुट के जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कंपेयर करके लॉजिक निकालते हैं और ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ये जो आपका गेट है, लॉजिकल गेट है, ये किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। वो बिहेवियर बच्चों हमें इनपुट और आउटपुट वैल्यूज़ के बीच के रिलेशनशिप, वो क्या ट्रेंड फॉलो करते हैं, उससे हमें मिल जाएगा। सो इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ लॉजिक गेट्स, ताकि हम प्रेडिक्ट कर पाएँ कि किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए यह क्या आउटपुट देगा।